पब्लिक टीवी आपकी आवाज। काट थाना पुलिस ने बीते दिनों किसान से हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता में बोलते हुए एसपी दयात उदय शंकर सिंह ने बताया कि बीती 11 फरवरी को काट में पंजाब नेशनल बैंक के पास बदमाशों ने एक किसान से 1 लाख की नकदी लूट ली थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश करना शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए बदमाश राजकुमार योगेश व राजकुमार उर्फ काले को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी में से कुछ रकम, तमंचा व अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के फरार आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी है। दिनांक 11 फरवरी को कस्बा काट में एक किसान पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेकर थैले में किसी दुकानदार को देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में झपट्टा मारकर 1 लाख रुपए उनसे लूट लिए गए थे। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें कुल 6 अभियुक्त शामिल थे। 3 मोटरसाइकिलों से इन्होंने पीछा किया था। एक ग्रुप बैंक के अंदर खड़ा होकर वाच कर रहा था कि कब कैसे कितना पैसा निकालता है। दूसरा ग्रुप रास्ते में खड़ा था और तीसरा ग्रुप थोड़ा और आगे खड़ा था। पिछले वाले सबसे पहले वाले ग्रुप ने मुखबिरी की, उसके आधार पे अगला वाला जो मोटरसाइकिल से ग्रुप था उसने झपट्टा मारकर यह थैला छीना था। यह तीनों मुरादाबाद में वर्तमान में रह रहे हैं। इसमें एक जनपद कासगंज का रहने वाला है जिसकी रिश्तेदारी मुरादाबाद में है और इनके विरुद्ध पूर्व में भी ऋषिकेश में, चंदौसी में, इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर भी कई घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई हैं। अभी घटना के अन्य जो अभियुक्त शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और इनके द्वारा कारित की गई अन्य घटनाओं की भी गहराई से छानबीन जारी है। सर, इनके पास से क्या बरामद हुआ है? इनके पास से 34,500 रुपये और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। टोटल कितने लोग थे वारदात में? वारदात में कुल 6 अभियुक्त शामिल थे। सर, जैसे ये लोग 3 ग्रुप में वारदात कर रहे हैं, एकदम हाई प्रोफाइल तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे पहले भी कई घटनाएं करी होगी इन लोगों ने, क्या इनका वो है मोटिव, कैसे वारदात करते हैं? इनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये हथियार विजिबल ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कि ये किसी को हो और बहुत का केस इतिहास है और ये सातिर अंदाज से घटनाओं की प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ में क्या धाराएं लगती हैं उसकी भी इन्हें अच्छी जानकारी है। इस लिहाज से ये तकनीकी रूप से भी अपने आप को बचाने के लिए उसमें झपट्टा मार करके लूटने का प्रयास करते हैं। यह किसी प्रकार की चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं।